लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। छह दशक बाद ऐसा हुआ, है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपूर्वक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्राणी पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 2 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, IBC जैसी कानून बनाए। आज इन्हीं रिफॉर्म्स के ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया।
हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक आज मजबूत और लाभदायक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 35% अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का NPA भी लगातार कम हो रही है। आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे पर है। आज LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रही है। आज GST भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, व्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना रहे हैं। अप्रैल महीने में पहली बार GST कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रही है। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए।